आपके जेब पर सीधा असर डाल सकती है। जी हाँ, अगर आप अपनी सेहत को लेकर खास ख्याल रखते हैं तो फिर आर्थिक सेहत को भी तो ध्यान में रखना जरूरी है ना। हम यहाँ पर ये किस लिए कह रहे हैं, दरअसल क्रिमिनल्स जो हैं, साइबर क्रिमिनल्स, वो ऐसे दौर में भी किस तरह से एक्टिव हैं। आपके पास फेक मैसेजेस आते हैं और ये कहा जाता है कि कोरोना की आप जांच कराइए, और वो भी बिना किसी पैसे के, यानी कि मुफ्त में कोरोना की जांच आपकी हो जाएगी। और जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करते हैं, वैसे ही आपका बैंक अकाउंट साफ हो जाता है। कोरोना संकट के बीच सबसे सावधान करने वाली खबर, फ्री कोरोना जांच के फेर में कहीं लूट ना जाएं आप। आपके मोबाइल में कंगाल बनाने वाला वायरस तो नहीं, मुफ्त कोरोना जांच का मैसेज आया हो तो संभल जाओ। फेक मैसेज के जरिए साइबर सेंधमारी की बड़ी साजिश। कोरोना के इस संकट काल में ये खतरे का नया अलार्म। साइबर अपराधियों ने कोरोना की मुफ्त जांच को मोहरा बनाया है। वो मुफ्त जांच का दावा करने वाले फेक मैसेजेस भेज रहे हैं। इन मैसेजेस के साथ एक लिंक होता है। दावा किया जाता है कि इस लिंक को टच करते ही आप मुफ्त कोरोना जांच करा पाएंगे। जी हाँ, आपके बैंक खाते पर साइबर अपराधियों की नजर है, इसलिए जरूरी है कि आप सावधान रहें। सावधान कैसे रहना है ये हम आपको बता रहे हैं। मुफ्त कोरोना जांच, COVID-19 के नाम पर मदद देने की बात कहने वाले ईमेल से दूर रहें। अगर ईमेल का लिंक सरकारी कोविड हेल्पलाइन की आईडी से मिलता जुलता लगे तो इसकी जांच कर लें कि हूबहू वही है या फिर असली ईमेल आईडी से अलग है। लालच देने वाले ऐसे यूआरएल लिंक से सावधान रहें, टच ना करें। किसी भी अनजान वेबसाइट या लिंक पर अपनी निजी और वित्तीय जानकारी सबमिट ना करें। सोशल मीडिया पर किसी अनचाहे ईमेल, एसएमएस या यूआरएल में दिए अटैचमेंट को ओपन करने से बचें। अगर कोई मेल आपको किसी अनजान व्यक्ति से आई है और वो कहती है कि आप ये अटैचमेंट खोलिए, तो कृपया कोई अटैचमेंट ना खोलें। अगर आप लिंक से क्लिक करने से बाज आ जाएंगे, अगर आप अटैचमेंट नहीं खोलेंगे तो काफ़ी हद तक आप अपनी सेल्फ सर्विस करेंगे, क्योंकि आप अपने आप को और अपने डेटा को बचाएंगे। सरकार की तरफ से कई राज्यों में मुफ्त में कोरोना टेस्ट कराए जा रहे हैं। इसके लिए आधिकारिक जानकारी आपको सरकारी वेबसाइट से मिल सकती है। किसी भी कोरोना संबंधित ईमेल आईडी को खोलने से पहले या फिर एसएमएस को खोलने से पहले, यूआरएल के अटैचमेंट को खोलने से पहले दो बार नहीं बल्कि 10 बार सोचें कि कहीं आप साइबर ठगी का शिकार तो नहीं हो रहे, क्योंकि अपनी सुरक्षा सिर्फ अपने हाथ में है। भलाई इसी में है कि सरकार की तरफ से अधिकृत किए गए लैब्स में ही जांच कराएं, ऐसे लालच में ना आए। ऑथराइज्ड डायग्नोस्टिक सेंटर जो गवर्नमेंट ने लिस्ट अपलोड की है वेबसाइट पर, सिर्फ उन्हीं सेंटर्स पे जाना है और वहीं जाके टेस्टिंग करवानी है। और जो स्टैंडर्ड लैब्स हैं वो कभी भी आपको कुछ एड्स नहीं भेजेंगी, कभी मेल्स नहीं भेजेंगी। वहां जाएंगे तो सिस्टम रहता है, आप वहां जाके टेस्ट करवा सकते हैं। हो सकता है कि आपको आए फेक मैसेज में सरकारी ईमेल या वेबसाइट बदल जाने का भी दावा किया गया हो, इसके झांसे में कतई नहीं आए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चलिए अब हम बात करते हैं चीन की जासूसी ब्रिगेड की। चीन की जासूसी ब्रिगेड की अगर बात करें तो इसको लेकर इस पर एक बड़ा खुलासा हुआ है। इसमें दरअसल ये बताया गया है कि जो चार्ली पैंग है उसने किस तरह से दिल्ली में रहकर तमाम जो जानकारी है दलाई लामा को लेकर वो जुटाई थी, किस तरह से जुटाई थी और किस तरह से ये इससे पहले भी फर्जी पासपोर्ट मामले में पकड़ा जा चुका है, ये हम आपको बताते हैं अपनी इस रिपोर्ट के जरिए। दिल्ली में गिरफ्तारी चीन के हवाला कारोबारी लुओ सांग पर सनसनीखेज खुलासा हुआ। चीन के जासूस चार्ली पर नया खुलासा।
जांच एजेंसियों को पता चला है कि चार्ली दिल्ली में कुछ लामाओं के संपर्क में था। लामाओं को पैसे देकर चार्ली दलाई लामा के बारे में जानकारी हासिल कर रहा था। दलाई लामा की जासूसी करने के लिए चीन की चार्ली गैंग कैसे काम करती थी, इसकी जानकारी भी आईटी डिपार्टमेंट ने जुटा ली है। चार्ली का जासूसी नेटवर्क, सबसे पहले चार्ली लामाओं से संपर्क बनाता था। चार्ली चीनी ऐप वीचैट के जरिए रिश्वत और जासूसी को लेकर बातचीत करता था। इसके बाद चार्ली के साथ काम करने वाले दफ्तर के लड़कों का इस्तेमाल रुपये से भरे पैकेट्स को लामाओं तक पहुंचाने के लिए किया जाता था। चार्ली के हवाला कारोबार का इस्तेमाल जासूसी के काम में कैसे होता था, अब ये समझिए। चार्ली का हवाला, चार्ली के गोरख धंधे में बीजिंग की बड़ी कंपनियां शामिल हैं, जो साजिश को अंजाम देने के लिए अपने ही देश की छोटी चीनी कंपनियों को फर्जी खरीद पत्र जारी करती थी और उसके बाद बोगस बिल के जरिए तैयार हुई रकम का इस्तेमाल दलाई लामा जैसे धर्मगुरुओं की जानकारी जुटाने में किया गया। चार्ली को साल 2018 में भी गिरफ्तार किया गया था, तब उस पर जासूसी का आरोप लगा था, हालांकि बाद में उसे जमानत मिल गई। लेकिन 1 अगस्त को दिल्ली के मजनू कटीला से आयकर विभाग ने सांग को मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया। लेकिन इस बार चार्ली अपनी पहचान बदल चुका था, उसने अपना फर्जी नाम रखा था चार्ली पैंग। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।